वो जुल्म, वो अत्याचार, कि जहां बच्चों की भूख भी ना देखी गई, छह माह के अली असगर की प्यास भी ना देखी गई। हुकूमत का नशा था, जुल्म पावर में था, ख्याल यही था। नबी का घराना नहीं रहेगा, हम ही रहेंगे, ये खत्म हो जाएंगे, हम रहेंगे, क्योंकि जो पीता है वही जीता है, जो पीता है वही जीता है। करबला ने दिखा दिया, जो पीने वाले थे गायब है और जो प्यासे हैं वो आज भी जिंदा है। तो जुल्म समझा था, जुल्म समझा था, जुल्म समझा था कि शोलों पे उड़ेगी नमाज, जुल्म समझा था कि शोलों पे उड़ेगी नमाज, जुल्म समझा था कि शोलों पे उड़ेगी नमाज, खाक खाक, वाह वाह, खाक जल जाता है तो बन जाते हैं खाक, खाक खाक, हर एक चीज जल जाती है और बन जाती है खाक। जुल्म समझा था कि शोलों पे उड़ेगी नमाज, खाक खेमे की कुरेदी तो मुसल्ले निकले। आहा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जुल्म समझा था, जुल्म समझा था कि शोलों पे उड़ेगी नमाज, जुल्म समझा था कि शोलों पे उड़ेगी नमाज, खाक खेमे की कुरेदी तो मुसल्ले निकले, खाक खेमे की कुरेदी तो मुसल्ले निकले। हुजूर शेखुल इस्लाम ने फरमाया कि ए हुसैन इब्ने अली, ए हुसैन इब्ने अली, तेरी शहादत को सलाम। आज हमें उसी इमाम की शहादत बयान करनी है। मेरे इमाम ने तैयारी शुरू की, लिबासे मुस्तफा से बेतन फरमाया, सर पे रसूल पाक का अमामा रखा, हाथों में हैदर कर्रार की जुल्फिकार, वालों से मुलाकात, कभी बहन को देखा, कभी बीवी को देखा, कभी चरपाई पर लेटे हुए बीमार बेटे को देखा, हुसैन घोड़े पर सवार, अब भाई है ना बेटा, भांजा है ना भतीजा, दोस्त है ना गुलाम, अब बचा है सिर्फ हमारा इमाम। घोड़े पर सवार है, अपने घोड़े से कह रहे हैं, नबी के घर का जानवर भी हो ना, औलादे नबी का घर का, कहते नहीं है गौसे आजम का कुत्ता शेर पे भी भारी होता। लोगों के यहां अच्छे अच्छे लोग वफादार नहीं होते, इनके चौखट में बैठने वाला जानवर भी वफादार होता है। सुभान अल्लाह, सोहबत अच्छी होती है तो मामला भी अच्छा होता है, गलत सोहबतें इंसान को बिगाड़ देती हैं। हुसैन के घर का घोड़ा, अली ने सवारी की, मेरे इमाम ने घोड़े पे सवार होके एक बार कहा, अब मेरे पास कोई नहीं रहा, मेरा भाई अब्बास मेरे फरात पे पानी लेने गया था, कटे हुए बाजू आए,
मैंने बर्दाश्त किया है, सब्र किया है, अपने बच्चे को शहीद होते हुए देखा है। छह माह का अली असगर जबान सूख के काटा, मैं बाप देख नहीं पाया, अपने बच्चे को अपनी गोद में लेकर मक्तल में चला गया। मैंने उनसे यही कहा, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, तुम मेरे लिए आए हो, ये छह माह का बच्चा है, इसे थोड़ा पानी दे दो। जालिमों ने पानी नहीं दिया, एक तीर मारा जो अली असगर के गले पे लगा। मेरा अली असगर मुझे छोड़ के गया, मैंने बर्दाश्त कर लिया। अब किससे क्या कहूंगा, अब कोई साथी नहीं है, अब तू ही मेरा साथी है। अब बस इतना एहसान कर, इतना एहसान कर, मैं तुझसे क्या कहूंगा, मैं भी जानता हूं ये जालिम इतने बड़े जालिम, इंसान तो इंसान, नबी का खानदान तो नबी का खानदान, कलमा पढ़ने वाले तो कलमा पढ़ने वाले, नबी के नाम पर अंगूठा चूमने वाले तो चूमने वाले, इन्होंने जानवरों पर भी वही जुल्म किया। तू भी तीन दिन से भूखा है, तीन दिन से प्यासा है, मैं जानता हूं, आज सिर्फ इतना एहसान कर कि मुझे खेमे से ले चल, खेमे से ले चल, मक्तल तक पहुंचा दे, मक्तल पे ले जाके छोड़ देना, मक्तल पे ले जाके छोड़ देना, इतना कर दे। ये हुसैन का है, हुसैन का है। मेरे इमाम अपने घोड़े से कह रहे, घोड़ा खड़ा है, मेरे इमाम बार बार कह रहे चलो चलो, मैं तन्हा हूं, अब चलो, तुम्हारे सिवा कोई साथी नहीं, अब तुम चलो। उस जानवर के अंदर से आवाज आई, मेरे इमाम मैं जानवर हूं, मैं जानवर हूं, मगर इन यजीदियों से बेहतर हूं, मैं जानवर जरूर हूं मगर इन जालिमों की तरह नहीं हूं। मेरे आका मैं क्या करूं, मैं कैसे कदम आगे बढ़ाऊं, मेरे आका मैं कदम आगे कैसे बढ़ाऊं, मेरे पिछले पांव को तो हजरत बीबी सकीना पकड़े खड़ी है, अगर मैंने अपने पांव बढ़ाए तो मुझे डर है कहीं बीबी सकीना को तकलीफ ना पहुंचे, उन्हें चोट ना पहुंचे। मैं औलादे रसूल को, आले नबी को, आपकी बच्ची को चोट पहुंचा कर यजीदी नहीं बनना चाहता, इन्हें बचा के हुसैनी बनना चाहता हूं। मेरे इमाम ने पलट कर देखा, छोटी बच्ची है सकीना, उतर गए, उतर गए, बच्ची को सीने से लगाया, सीने से लगाया। बच्ची ने एक बार पूछा, ए बाबा इतना बताओ मुझे किसके सहारे छोड़ रहे हो, ए बाबा आप जहां जा रहे हो वहां जो जाता है आता नहीं, ए बाबा मेरी आंखों ने देखा, मेरे चचा मेरे लिए पानी लेने गए, मशीदा लेके गए, मेरा चचा वापस नहीं आया, आप तो मेरे भाई अली असगर को पानी पिलाने गए थे ना, गले पे तीर लेकर, मेरा अली अकबर गया वापस नहीं आया, मेरा कासिम गया वापस नहीं आया, मेरे भाई ओनो मोहम्मद गए वापस नहीं आया। बाबा इतना बता दो, इस वीराने पे, इस रेतीले मैदान पे तू हमें किसके सहारे छोड़ रहे हो, ए बाबा आप तो जानते हो जब आपकी सकीना को नींद आती थी तो वो आपके सीने पे सोती थी, अब इतना तो बताओ कि आज के बाद जब तुम्हारी सकीना को नींद आएगी तो वो किसके सीने पे सोए। मेरे इमाम ने अपनी बच्ची की गुफ्तगू सुनी, बच्ची के सर पे हाथ रखा, बच्ची को समझाया, मेरी बच्ची आज से थोड़ा मामला चेंज कर दे, बदल दे, आज कुछ मामला बदल दे, आज से पहले
जब तुझे नींद आती थी तो तू मेरे सीने पे सोती थी और अली असगर अपनी माँ के सीने पे सोते थे। आज के बाद जब तुझे नींद आएगी तो तू अपनी माँ के सीने पे सोना और अली असगर मेरे सीने पे सोएंगे। मेरे इमाम ने अपनी बच्ची को समझाया, घोड़े पर सवार होकर मेरा हुसैन करबला के मैदान में बक्तल भी आ गया। सकीना की आंखों में आंसू रहे, मेरा बाबा मुझे छोड़ के जा रहा है। तारीख गवाह है कि जब हुसैन यजीदी लश्कर के सामने थे, मैं तफसील में नहीं जा सकता, चंद बातें कहूं। भूखा भूखा होता है, प्यासा प्यासा होता है। एक भूखे और प्यासे का चेहरा बता देता है कि इसने इतने दिन से खाया नहीं होगा। मुसाफिर की शक्ल बताती है कि लंबे सफर से आया है। सूखा हुआ मुंह बता देता है कि पेट में दाना नहीं है। सूखे सूखे होंठ बताते हैं इसने पानी नहीं पिया। मगर ये अली का लगते जिगर बात मत तू जोरा कर नूरी नजर, पता ही नहीं चलता था। मिजाज अंदाज ये रन में खड़े हैं, पूरा घराना लुट गया मगर खिताब नहीं गया। आज भी खड़े होके बोल रहे हैं, मान जाओ मान जाओ सखी बेटे, सखी बाप के बेटे, सखी नाना के नवासे, ऐसे सखी घर के। आज भी सखावत दिखा रहे हैं। खानदान गया तो गया, परिवार गया तो गया, घर लुटा तो लुटा, अली अकबर गए तो गए, मगर नाना का दीन है, नाना का मिजाज है, नाना का तरीका है कि मेरे नाना ने चाहे रामे कांटे बिछाए गए, चाहे कूड़ा फेंका गया, चाहे गाली दी गई, चाहे कुछ किया गया, नाना भी ऐसा, नवासा भी ऐसा। वो मक्का वाले, ये करबला वाले, जुल्म उधर भी था, जुल्म इधर भी है, जुल्म उधर भी था, जुल्म इधर भी है, मगर ना नाना का मिजाज बिगड़ा ना नवासे का। जैसा नाना वैसा नवासा, यही कह रहे हैं, मान जाओ मान जाओ। दुनियादार नहीं है कि घर के बेटे में कोई तकलीफ हो जाती है तो खानदान की लड़ाई हो जाती है। ये नबी का घर है, दुनियादार का घर होता तो बात अलग होती, नबी का घर है, नबी का घर है, नबी का बेटा है, मान जाओ मान जाओ। अली असगर गए, अली अकबर गए, खानदान गया, मगर अब भी मान जाओ, मौका दे रहा हूं, अब भी मान जाओ मान जाओ। मगर जिनको जहन्नम में जाना है और जिनका मुकद्दर ही वही है वो कैसे माने, तो उनका तो मुकद्दर था, मगर ये तो हुसैनी मिजाज था, नहीं माने। मेरे इमाम ने म्यान से तलवार निकाली, आज हुसैन खड़े हैं। तीन दिन भूख है, तीन दिन की प्यास है, जुल्म अत्याचार है, यादें हैं, दर्द है, पीड़ा है, जहन में वो बात भी है कि खेमे में बेटी को छोड़ा है, ये भी सोच है, मेरी बहन जैनब भी है, दिमाग में ये भी आ रहा है, शहरबानों भी मौजूद है, ये भी ख्याल आता है कि बीमार बेटा जैनुल आबदीन है, मैं गया तो क्या होगा, ख्याल खानदान अपनी जगह, उम्मतियों तक ईमान पहुंचाना ये अपनी जगह, खानदान को अपनी तरह रखा, कयामत तक दीन और ईमान देना अपनी जगह रखा। मेरे इमाम ने तलवार निकाली, चलाई, चली। आज ऐसा लगता था कि जब हुसैन ने तलवार चलाई तो हाथ तो बजाहिर बजाहिर
हुसैन का था मगर मिजाज हैदर करार का था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे हैदरी नारे हैदरी नारे रिसालत। जब हुसैन ने तलवार चलाई तो जिधर हुसैन गए गए हवा में सर उड़ते हुए नजर आए, जिधर हुसैन गए जमीन पर जिस्म तड़पते हुए नजर आए, जिधर हुसैन गए मैदान के मैदान साफ, यजीदी कटते रहे हुसैन चलते रहे तलवार चली यजीदी कटते रहे, एक वक्त आया मेरे इमाम ने तलवार छोड़ दी, मेरे इमाम ने तलवार छोड़ दी। ए मेरे इमाम तलवार क्यों छोड़ रहे, तलवार क्यों छोड़ रहे, तलवार ना छोड़े, तलवार ना छोड़े, इन्होंने जुल्म किया है, तलवार ना छोड़े, भूखा और प्यासा रखा है, तलवार ना छोड़े, बच्चों पे जुल्म किया है, तलवार ना छोड़े, घर वालों पे जुल्म किया है, ए इमाम तलवार ना छोड़े, आज चलाए तलवार ताकि देखा जाए कि भूख और प्यास और भूखा और प्यासा रख के तुम समझते हो कि नबी के घर वालों को दबा ले जाएंगे, इन्हें भूखा प्यासा रख के दबाया नहीं जा सकता, पेट वाले अलग होंगे जो पेट के जरिए से काम करते हैं, ये तो वो खानदान है कज्जाकुम मिनल्लाह नूर। वाह वाह, मेरे इमाम तलवार ना छोड़े, इमाम ने जवाब दिया नहीं तलवार छोड़ूंगा, नहीं तलवार छोड़ूंगा, तलवार छोड़ूंगा, जालिम आए अत्याचारी आए जैब जदीदी आए तलवार ना छोड़े, इमाम ने कहा तलवार छोड़ूंगा, नादान मैदान देख रहा है अजान नहीं सुन रहा है, मैदान देख रहा है करबला का अजान नहीं देख रहा है, वक्त हो गया नमाज का, मैं जुल्म बर्दाश्त कर सकता हूँ, मैं अत्याचार बर्दाश्त कर सकता हूँ, मैं अपना लुटता हुआ घराना देख सकता हूँ, अरे मैं करबला के मैदान में यजीदियों के घेरे में तलवार छोड़ना तो बर्दाश्त कर सकता हूँ मगर नमाज छोड़ना बर्दाश्त नहीं कर सकता, तलवार छोड़ना तो बर्दाश्त कर सकता हूँ मगर नमाज छोड़ना बर्दाश्त नहीं कर सकता, नमाज छोड़ना, मेरे इमाम ने तलवार छोड़ दी, अपने हाथों को उठा लिया तकबीर तहरीमा के लिए, वो भी जमान गए, ये हैदर करार का बेटा है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये हैदर करार का बेटा है, ये हैदर करार का बेटा है, जालिम है हम दुश्मन है हम मगर शुजात देखो बहादुरी देखो, अपने इलाके में तो हर आदमी शेर होता है, शेरे खुदा का बेटा देखो, चारों तरफ मौत है, जुल्म है, बर्बरियत है, आतंकवादी है, मेरे हुसैन ने सबसे पहले आतंकवाद पे अटैक किया, सबसे पहले आतंकवाद पे अटैक किया, दुनिया को दिखाया कि हुसैनियों कभी आतंकवादियों के मत होना, तो इस्लाम दीन ये आतंकवादियों के साथ का कोई ताल्लुक नहीं है, ये अलग कंपनी है यजीदियों की, हुसैन ने तलवार छोड़ी, तलवार छोड़ दी, नमाज के लिए खड़े हो गए, वो भी देख रहे थे हुसैन तकबीर तहरीम, हुसैन हाथ बांध रहे हैं, अब सना पढ़ रहे होंगे, अब सूरह फातिहा पढ़ रहे होंगे, अब सूरत मिलाई होगी, हुसैन नमाज पढ़ रहे, रुकू में गए हैं तस्बीह पढ़ी होगी, सजदे में गए हैं तस्बीह पढ़ी होगी, एक सजदा इत्मीनान, फिर बैठे फिर सजदा इत्मीनान, इतना इत्मीनान, हुसैन नमाज में मुतमईन है, ये खड़े हुए देख रहे हैं मुतमईन नहीं है, आपस में बातें शुरू, दिल घबराने लगा, दिल बेचैन होने लगा, हुसैन नमाज में मुतमईन,
ये बेनमाजी खड़े हैं, बेनमाजी खड़े हैं, बेचैन हो रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं। अगर कहीं नमाज मुकम्मल हो गई, अगर कहीं हुसैन ने नमाज पढ़ ली, कहीं ऐसा ना हो कि नमाज मुकम्मल, तो फिर हुसैन उठेंगे, फिर हुसैन उठेंगे, और फिर हुसैन उठे तो हम नहीं उठ पाएंगे। अगर ये अली का बेटा उठ गया तो हम जमीन से उठ जाएंगे। यही वक्त है, हुसैन सजदे में आए, हुसैन सजदे में आए, सजदे में आए, यही वक्त है। मेरे इमाम के सर मुबारक को धड़ मुबारक से जुदा कर दिया गया। जुल्म यही खत्म नहीं हुआ, सरे हुसैन को नेजे पे रखा गया, नेजे पे रखकर बुलंद कर दिया गया। ये हुसैन का सर है जिसे नबी पाक ने चूमा था, ये वो सर है जिसे फातिमतुज़ ज़हरा ने देखा था, ये वो सर है जिसे मौला अली प्यार करते थे। आज हुसैन के सर मुबारक को नेजे पे रखकर बुलंद कर दिया, और जब मेरे इमाम के सर को नेजे पे रखकर बुलंद किया गया, यजीदियों ने ढोल बजाए, नगाड़े बजाए, शोर उठा, शोर हुसैनी खेमे में गया, बीमार बेटा ज़ैनुल आबिदीन तड़प गया, तड़प गया, चरपाई पे लेटे तड़प गए। आवाज दी फूफी, फूफी ये आवाज कैसी, ये शोर कैसा, ये ढोल क्यों बजाए जा रहे हैं, ये नगाड़े क्यों पीटे जा रहे हैं। हजरत बीबी ज़ैनब ने खेमे के पर्दे को हटाया और उस भाई के सर को देखा, उस भाई के चेहरे को देखा, जिस भाई के चेहरे को देख देख के ज़ैनब बड़ी हुई, जिस भाई के चेहरे को देखते देखते नबी के रोजे पे गई, जिस भाई के चेहरे को देखते देखते मक्का आ गई, जिस भाई के चेहरे को देखते देखते कर्बला के तपते हुए सहरा में आई, बेटे शहीद हो गए मगर भाई का चेहरा देखती रही, भतीजे शहीद हो गए मगर भाई का चेहरा देखती रही, आज उसी भाई के चेहरे को नेज़े पे देख रही हूं। हज़रत बीबी ज़ैनब की आंखों में आंसू, मगर क्या मंजर, मेरे इमाम को कर्बला के मैदान में शहीद किया। ख्याल ये था हुसैन कट जाएंगे तो हुसैन मिट जाएंगे, मगर तारीख कुछ अलग है, तारीख कुछ अलग है। यजीद का कोई जश्न नहीं, यजीद का कोई जलसा नहीं, हुकूमत पर तख्तो ताज पर मगर बर्बाद है, और मेरा हुसैन कर्बला के मैदान में रहा मगर कामयाब रहा। वाह वाह, तभी किसी शायर ने क्या खूब कहा कि कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर कर्बला के बाद। इसीलिए हुजूर शेख उल इस्लाम ने कहा कि कत्ले हुसैन में मर गए यजीद, इस्लाम जिंदा होता है हर कर्बला के बाद, यानी कि हो गया, हो गया। अब इस्लाम को ऐसा जिंदा किया कि यजीद हिम्मत नहीं करेगा, यजीद हिम्मत नहीं करेगा कि फिर दूसरा कर्बला बनाए, क्योंकि 72 लेके गए थे, 72 करोड़ छोड़ गए। यजीद बंद दरवाजे में तो हो सकता है, खुले मैदान में नहीं। इसीलिए हुजूर शेख उल इस्लाम ने कहा कि ऐ हुसैन इब्ने अली, ऐ हुसैन इब्ने अली, तेरी शहादत को सलाम। पूरी जमात अहले सुन्नत सलूट मारती है, हम 1400 साल से लेकर सलाम कर रहे हैं, हम सलाम करते हैं, करते हैं, ऐ हुसैन इब्ने अली, तेरी शहादत को सलाम। दीन हक, दीन हक,
ऐ हुसैन इब्ने अली तेरी शहादत को सलाम। दीन हक अपना किसी दौर में तन्हा होगा, दीन हक अपना किसी दौर में तन्हा होगा, जब तक दीन रहेगा हुसैन की आल रहेगी। हुसैन ने अपनी औलाद दे दी, अरे सेहतमंद से ताकतवर से ठीक ठाक से दीन फैलाना ये बड़ी बात नहीं है। जिगर हुसैन का देखो, बीमार बेटा ज़ैनुल आबदीन है, पूरी कायनात में इस्लाम फैला दिया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद करबला, जश्न शहीद करबला, जश्न शहीद करबला। सालिमो यजीदियो, तुम्हें यजीद का खुमार मुबारक हो, हमें हुसैन का आबिदे बीमार मुबारक हो। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे मुस्तफा, औलादे मुस्तफा। तो ऐ हुसैन हम एहसान मंद, आप हमारे मोहसिन हैं, हम एहसान मानते हैं। जब तक हुसैनी जिंदा रहेगा हुसैन का जश्न मनाते रहेंगे, हुसैन की याद मनाते रहेंगे।